12 सूत्री मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, ब्लॉक पर तालाबंदी करते हुए सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे गैरसैंण जिले के लोग, मरीजों को कंधे पर लाद कर ले जाने को मजबूर। लक्सर के बालावाली गांव में मंत्री रेखा आर्या ने किया नए दूध उत्पादन प्लांट का भूमि पूजन, 5000 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन की होगी क्षमता। कामकाज संभालते ही ट्विटर की मनमानी पर बोले नए आईटी मंत्री, देश का कानून सबको मानना होगा। कैबिनेट विस्तार पर राहुल गांधी ने फिर साधा निशाना, बोले क्या इसका मतलब अब नहीं होगी वैक्सीन की कमी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ शिवम यादव। लक्सर के बालावाली गांव में मंत्री रेखा आर्या ने नए दूध उत्पादन प्लांट का भूमि पूजन किया। रेखा आर्या ने बताया कि इस प्लांट की 5000 लीटर प्रतिदिन दूध उत्पादन की क्षमता होगी। इस क्षेत्र में कई युवाओं को रोजगार मिलेगा, इसके साथ ही किसानों को उनके दूध का सही दाम मिल सकेगा, जिससे किसानों की आर्थिक हालात में सुधार होगा। वही खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि ये हमारा प्रयास है, जो आज खानपुर के बालावाली गांव में 5000 लीटर प्रतिदिन की क्षमता रखने वाले दूध उत्पादन प्लांट का शिलान्यास हुआ है। ये तरह चंद पिछड़ा हुआ है, बाढ़ की विभीषिका से ग्रस्त रहता, देवी आपदा से। हम सिंचाई मंत्री जी को भी लाए थे, जिलाधिकारी हरिद्वार को भी यहाँ पे लाए थे, सबका निरीक्षण हमने कराया। हमने दूध विकास मंत्री जी से दरख्वास्त की थी कि बालावाली में दुग्ध अवशीतन केंद्र लगाया जाए, और दुग्ध अवशीतन केंद्र स्थापित हो रहा है, उसके शिलान्यास के लिए आए हैं और इसका बजट भी पास हो गया, 1.5 करोड़ की पहली किस्त इसकी आ गई है। मैं समझती हूँ कि डेयरी सेक्टर अपने आप में रोजगार का बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा माध्यम है। हमारी जो दुग्ध सहकारी समितियाँ थी, समितियों से जो हम दुग्ध उत्पादन करते थे, हमारे लिए दिक्कत आती थी कि उनका दूध आखिरकार हम कितनी देर तक जो है हम लोग स्वस्थ रखें, खराब ना हो, उसके लिए बहुत आवश्यक हो गया था कि इस क्षेत्र को डेयरी सेक्टर जो है वो दिया जाना जो है वो विचार बनाया गया, जिसके लिए विधायक जी ने भी बराबर आग्रह किया और हमारा विभाग लगा भी। और आज जो है हमारी जो दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं उनसे जब हम दुग्ध उत्पादन करेंगे तो जी हमारे साथ सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ है वहां पर और किस तरह से जो जिस दुग्ध उत्पादन प्लांट की बात की जा रही है, क्या क्षमता है और वहां के जो आसपास के जो लोग हैं उनको कितना लाभ मिलेगा इससे? जी सर, मैं आपको बता दूं, खानपुर विधानसभा बालावाली का इलाका अति पिछड़ा हुआ इलाका है, जिसमें रोजगार की काफी कमी है। खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन लगातार पर्याप्त है कि इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा किए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शपथ लेने के बाद पहली बार हरिद्वार दौरे पर थे। सीएम के दौरे को लेकर पूरा प्रशासन अलर्ट पर था, लेकिन इस दौरान तहसील में तैनात कानून को दफ्तर में लेट कर फरियादियों की शिकायतें सुन रहे थे। कानूनगो का लेटकर शिकायतें सुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। वहीं बीजेपी की पूर्व जिला मंत्री राकेश शर्मा का कहना है कि कानूनगो अनिल कंबोज जिस समय लेटकर शिकायतें सुन रहे थे, उस समय वो भी वहीं पर अपने शस्त्र लाइसेंस की फाइल के बारे में जानकारी लेने पहुंचे थे। कई बार कानूनगो से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने असिस्टेंट से बात करते रहे। अब वीडियो वायरल होने के बाद महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं अल्मोड़ा में पेयजल की किल्लत और घरों में आ रहे गंदे पानी को लेकर आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जल संस्थान के अधिशासी अभियंता का घेराव किया। इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर जल्द से जल्द जल संस्थान ने इस समस्या से निजात नहीं दिलवाई तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने को बाध्य होगी। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष पूरन रौतेला ने कहा कि अल्मोड़ा नगर समेत आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की किल्लत लंबे समय से बनी है। उन्होंने कहा कि अगर जल संस्थान जल्द ही पेयजल की इस समस्या का निराकरण नहीं करता है तो कांग्रेस जनता के साथ आंदोलन करने को मजबूर होगी। गंदे पानी के लिए जो है लाइनें पुरानी होने के कारण कई स्थानों पर भूमिगत पाइप गल जाते हैं। अब उसके जो है कर्मचारी सुबह से देख रहे हैं, जेई साहब भी यही हैं। जैसे ही हमें कहीं पर ऐसी शिकायत मिलती है तो
तो तुरंत उसकी हम मरम्मत करके गंदे पानी की शिकायत को। आज हम अल्मोड़ा के कांग्रेस जन एकजुट होकर के, जो अभी गर्मी का समय है, इस समय लोगों को जो पानी मिलना चाहिए, साफ स्वच्छ पानी मिलना चाहिए, क्योंकि बरसात अभी आई नहीं है, नदियों में बरसात का पानी नहीं है, फिर भी हमको दूषित पानी मिल रहा है, मटमैला मिल रहा है, नालियों का पानी पहुंच रहा है घरों में लोगों के, तो इसको लेकर के। और हमारा ये कहना है कि जो यहाँ नौकरी पेशा लोग हैं, नौकरी करते हैं, उनको पानी का टाइमिंग एक निर्धारित होना चाहिए, या तो सुबह आए या। उत्तराखंड में रोजगार की स्थिति बहुत खराब है। सेवायोजन कार्यालयों की भूमिका सिर्फ रजिस्ट्रेशन तक सीमित रह गई है। सेवायोजन विभाग हर साल रोजगार मेलों का आयोजन तो करता है, लेकिन रोजगार दिलाने के नाम पर सन्नाटा छाया रहता है। पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं ने इसी से आक्रोशित होकर धरना प्रदर्शन किया। पिछले दिनों राज्य में रोजगार दिए जाने, छात्रवृत्ति की कमियों को दूर किए जाने की मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। पार्टी के उत्तराखंड प्रभारी दयाराम ने कहा कि इस पर कभी भी राज्य में भाजपा व कांग्रेस दोनों सरकारों ने कोई ईमानदारी नहीं दिखाई। देखिए, ये जो देश है ये संविधान से चल रहा है, और संविधान सभा ने जो सुनिश्चित किया कि हमें देश को एक सर्वप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाएंगे, और राष्ट्र तभी संपन्न बन सकता है जब देश के शासन प्रशासन हो या जो भी क्षेत्र है, तो देश के हर नागरिक के समाज जीवन में समता का वातावरण पैदा हो। इसलिए भारत के संविधान में सोशल जस्टिस एक। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ दिनेश सीधे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। दिनेश, पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से ये धरना प्रदर्शन किया गया, क्या कुछ मांगे हैं, किस चीज को लेकर ये आक्रोशित हैं, क्योंकि रोजगार की बात तो हर कोई कर रहा है। जी, जो पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक है, इसके राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आज दयाराम जी यहाँ पर पहुंचे थे। पिछले 10 दिनों से ये लोग जो मांगों को लेकर चल रहे हैं कि एक तो जो राज्य में जो SC ST और OBC का जो बैकलॉग है, जो लंबे समय से ये डिमांड चलती है, लंबे समय से ये डिमांड रही है, और क्योंकि कई राजनीतिक कारणों से और सामाजिक सोच के कारण ये देखने में आया है कि इस तरीके के पदों को रिक्त रख दिया जाता है, तो ये एक आक्रोश है जिसको कि उनका कहना है कि तुरंत इस बैकलॉग को भरना चाहिए। दूसरा कि जो पदोन्नति है, पदोन्नति को लेकर भी उनकी मांग है कि पदोन्नति के सवाल को लेकर भी अभी एक तरीके से अंतर्विरोध बना रहता है, दो दो तरीके के लोग अपने तरीके की बातें करते हैं, तो लेकिन पदोन्नति को लेकर भी उनका जो मांग थी वो ये थी। साथ ही उनकी जो छात्रवृत्ति, आपने सुना होगा कि बहुत सारे घोटाले इस बीच पे चर्चा में आए हैं, जो अनुसूचित जाति के बच्चों की जो छात्रवृत्तियां हैं उसमें बड़े बड़े घोटाले हुए हैं, जिस पर की किसी तरीके की कार्रवाई अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन उन्होंने स्वच्छता कर्मियों की मांग को भी उठाया कि जो ठेका प्रथा है वो खत्म होनी चाहिए, और एक विशेष बात थी कि राज्य आंदोलनकारियों तो जो वाद्य यंत्र बजाने वाले, जो भीड़ जिस समय आंदोलनरत होती थी, तो तमाम वाद्य यंत्र बजाने वाले लोगों को उसमें शामिल किया जाता था। ठीक है, तो तमाम लोगों की जो जो मांगे हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये धरना प्रदर्शन किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं लक्सर के कलियर थाना इलाके के अकोड़ा खुर्द गांव में आई एक बारात में DJ पर गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते बारात में लाठी डंडे चलने लगे और कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को CHC में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर रूप से घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस दौरान एक युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि मामले में दबिश दी जा रही है, अभी तक पुलिस को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई, लेकिन जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। ये खड़ंजा कुतुबपुर में एक नफीस नाम के व्यक्ति की 6 तारीख की रात्रि को जो है हत्या कर दी गई थी। वहाँ मौके पर जो भी साक्ष्य और पूछताछ से ये संज्ञान में आया कि जो इसकी पत्नी है जैनब, उसके द्वारा इसकी हत्या कर दी गई थी और इसको गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं चमोली जिले के विधानसभा थराली के चारों ब्लॉक के ग्राम प्रधान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। राज्य प्रधान संघ अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर पिछले कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रधानों का कहना है कि हमने एकत्र होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और अब विकास खंड कार्यालय में ताला भी बंद कर दिया है। ग्राम प्रधानों का कहना है कि CSC को ग्राम पंचायतों से 2500 रुपये प्रतिमाह दिए जाने के आदेश को अविलंब वापस लिया जाना चाहिए।
नमस्कार, हम जनपद चमोली के आज विकासखंड नानबगड़ मुख्यालय में हैं और हम यहाँ पर आज जो प्रधान संगठनों का राज्य भर में जो आंदोलन चल रहा है पिछले साल से कहेंगे हम, और इस बारी जो उन्होंने उनका अल्टीमेटम था कि उनकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो 1 जुलाई से वो पूरे राज्य में पूरे विकासखंड मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। 1 जुलाई से यहाँ पर 7 दिन से लगातार प्रधान लोग अपनी विभिन्न मांगों को लेकर के आंदोलनरत हैं और इसी संदर्भ में आज यहाँ आए। उन्होंने सरकार की बुद्धि शुद्धि के लिए यहाँ पर यज्ञ का कार्यक्रम भी किया और यहाँ पे जो सर नारेबाजी भी लगाई उन्होंने अपने लिए। तो प्रधान संगठन के यहाँ पे उपाध्यक्ष हैं महेश कुमार जी, मैं उन्हीं से जानना चाहूँगा कि क्या आपकी क्या मांगे हैं और क्या ये आंदोलन क्यों किया जा रहा है आपके वार्ड द्वारा। सर प्रथम तो आपका धन्यवाद है, ये आंदोलन के आज हमारा 7वां दिन है। ये आंदोलन जो है हमारा सरकार के खिलाफ है, अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार के जो शुद्ध बुद्धि यज्ञ किया है हमने आज यहाँ पे जैसे कि आपको विकास खंड नानबगड़ के अंतर्गत देखने को मिला, हमने सरकार के खिलाफ शुद्ध बुद्धि यज्ञ की। ये सरकार जागे, ये सरकार के जो गतिविधियाँ हैं ये प्रधानों के खिलाफ हैं, ग्राम सभाओं को कमजोर करने का काम ये सरकार कर रही है। साथ ही जितना भी आज हमारा जो भी हमारा 15 दिन का पैसा से लेकर के CSC सेंटरों को लेकर के अपने मानदेय को लेकर के हमारे 12 सूत्रीय कार्यक्रम जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री संबल जी हैं उनके आह्वान पर प्रत्येक विकास खंडों में, प्रत्येक जनपदों में, प्रत्येक विकास खंडों में हमारा जो ये आंदोलन हो रहा है आज इसको 7वां दिन हो गया है। अभी तक कोई सरकारी नुमाइंदा हमारा इस धरने को देखने या सुध लेने तक नहीं पहुंचा, ना कोई विधायक पहुंचा, ना कोई प्रतिनिधि पहुंचा। हम आगे भी यदि 10 तारीख तक का हमारा ये सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, यदि सरकार 10 तारीख तक हमारी मांगों को सकारात्मक ढंग से नहीं लेती है तो 11 तारीख को हम प्रदेश अध्यक्ष श्री संबल जी के नेतृत्व में देहरादून कूच करने का काम करेंगे। साथ ही जो हमारी ये मांगे थी इनको मनवा के रहेंगे, नहीं तो 2022 की गति इस सरकार को नहीं मिल पाएगी। ये सरकार अपने मुख्यमंत्रियों को बदलने में लगी हुई है, जनता के कार्यों से इसको कोई सरोकार नहीं है। कहीं ना कहीं ये वर्तमान सरकार के लिए बहुत बड़ी चेतावनी है कि प्रधान जो ग्राम पंचायत स्तर पे सीधे सीधे आम आदमी से जुड़ा होता है और सारे जो वोट की क्षमता है उन प्रधानों के इर्द गिर्द ही घुमा करती, ये सरकार के लिए साफ साफ चेतावनी है। और हम भी चाहेंगे कि सरकार प्रधान संगठन की जो 12 सूत्रीय मांगे हैं उन मांगों को पूर्ण करें ताकि जो वर्तमान सरकार है सरकार के लिए प्रधान संगठनों का और लोगों का समर्थन बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ प्राइम टीवी के लिए सुरेंद्र नाथ की रिपोर्ट चमोली। राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी होने के बावजूद गैरसैंण के लोग बुनियादी सुविधाओं से कोसों दूर हैं। शिक्षा और रोजगार की बात छोड़िए, यहां चलने के लिए लोगों को सड़क तक नसीब नहीं है। हालात ये हैं कि मरीजों को पहाड़ से नीचे लाने के लिए लोगों को कई किलोमीटर कंधे पर लेकर चलना पड़ता है। जिला मुख्यालय के करीब बसे सेरा तेवाखर गाँव में एक मरीज को अस्पताल पहुँचाने के लिए लोग कंधे पर लाद कर ले जा रहे हैं। 7 किलोमीटर पैदल चलकर मुख्य मार्ग पर पहुंचने के बाद गैरसैंण जिला अस्पताल पहुंचेंगे। ग्रामीण सैकड़ों बार प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं लेकिन कभी भी सुनवाई नहीं हुई। निकिता बिस गैरसैंण ब्लॉक के सेरा तिवाखर गांव से, पिछले 2 वर्षों से हमारी बस एक ही मांग है, सड़क निर्माण। हमारी सरकार हमें झूठे दावे झूठे दिलासे दे रही है। हम पिछले 4 महीने में हमने बहुत सारे आंदोलन क्रमिक अनशन आमरण अनशन भी कर चुके हैं जिसपे सरकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सरकार के आदमी लोग आते हैं झूठा दिला सजे जाते हैं, एक पर्ची हमारे हाथ में थमा जाते हैं, हमें बेवकूफ बना जाते हैं और हमारे हित के लिए और हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर पाते हैं। और इस वक्त ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुरेंद्र सीधे जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी जरूर है लेकिन वहां पर जो मूलभूत जरूरतें हैं उनके लिए भी जनता को तरसना पड़ रहा है। जी शिवम, मैं आपको बता दूं कि एक तो ये पहाड़ों में सड़कें नहीं है, दूसरे में स्वास्थ्य महकमों के अस्पताल रेफर सेंटर बने रहते हैं। ऐसे में किसी बीमार को पहाड़ों से डंडी कंडी में पैदल किसी प्रकार से सड़क तक तो ले और अस्पताल तक तो पहुंचाया जा सकता है, परंतु उसे किस तरह का उपचार मिल पाता होगा यह बहुत आसानी से समझा जा सकता है। आज जो ताजा घटनाक्रम है उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के आसपास के क्षेत्रों का है, जिससे समझा जा सकता है कि राज्य के नीति नियंत्रताओं ने ग्रीष्मकालीन जो राजधानी गैरसैंण में है उसके क्षेत्र को विकसित करने में कितनी जरूरत समझी होगी। गैरसैंण आपको बता दूं कि सिर्फ 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 और सिर्फ चुनावी जीत और सिंहासन दिलाता रहा है, परंतु कभी उसकी खुद की तस्वीर और तकदीर नहीं बदली। हाँ, जबकि इन 20 सालों में 10 मुख्यमंत्री बदल गए हैं लेकिन गैरसैंण जो राजधानी क्षेत्र है उसकी जो तस्वीर है वो जो तकदीर है वो नहीं बदली।
देखो मैं आज अभी जो आज की जो ताजा घटना कर्म स्क्रीन पर चल रही है यह सेरा तेवाखर के क्षेत्र की है। 2012 में यहाँ के लिए काली माटी मोटर मार्ग से 7 किलोमीटर सड़क बनाने की घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री ने की थी, जिसके बाद सभी भूल गए। अभी जनवरी में यहाँ के ग्रामीणों ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर थक हार कर अपनी सड़क स्वयं बनानी शुरू की थी और दूसरी तरफ कर्मिक और आमरण भी प्रारंभ किया गया था जो निरंतर 46 दिनों तक चला। इन 46 दिनों के बाद शासन प्रशासन की ओर से उप जिलाधिकारी गैरसैंण के नेतृत्व में प्रशासन की टीम उक्त जो सेरा तेवाखर का गांव है उस धरना स्थल पर गई और ग्रामीणों को आश्वासन दे करके उन्होंने उनका आंदोलन जो था स्थगित करवाया। उसके बाद ना तो प्रशासन शासन ने वहां की सड़क बिल्कुल बनाने के लिए 20 सालों बाद भी तमाम मुख्यमंत्री बदले लेकिन गैरसैंण और उसके आसपास के जो गांव है उनके हालात नहीं बदले। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। वहीं रोशनाबाद में सिडकुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के गेट पर ताला जड़ दिया। कंपनी ने 300 कर्मचारियों को निकाल दिया है जिसके विरोध में कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। निष्कासित कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन समेत कई आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला। 4 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आज कर्मचारियों के परिवार भुखमरी के कगार पर आ पहुंचे। कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले महीने 7 तारीख को जिलाधिकारी सी रविशंकर को एक ज्ञापन दिया गया था जिसके बाद कंपनी के अधिकारियों ने डीएम से 1 महीने के अंदर कर्मचारियों की बहाली की बात कही थी लेकिन अभी तक किसी को भी वापस कंपनी में नहीं लिया गया है। उत्पीड़न किया जा रहा है, पिछले 4 साल से संघर्ष कर रहे हैं और मोदी के यहाँ एक द्विपक्षीय वार्ता हुई थी जिसमें ये सहमति बनी थी कि श्रमिकों को बारी बारी करके ड्यूटी पर लिया जाएगा लेकिन अभी तक किसी भी श्रमिक को ड्यूटी पर नहीं लिया गया जिस कारण से श्रमिकों ने मजबूरन। वहीं विकास नगर में प्रधान संगठन ने अपनी 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रधानों ने ब्लॉक पर पहुंचकर तालाबंदी करते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही खंड विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया। प्रधान संगठन के अध्यक्ष नरेंद्र तोमर ने कहा कि ग्राम पंचायतों में जेई कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति शीघ्र की जाए। ग्राम विकास विभाग एवं ग्राम पंचायत विभाग का पहले की तरह एक शामिल किया जाए जिसमें सभी ग्राम पंचायतों को एक ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी मिल सके। धरना प्रदर्शन चल रहा है 12 सूत्री मांगों को लेकर जिस क्रम में हमने आज जो है विकासनगर विकासखंड में भी तालाबंदी की और अभी जब तक आगे हमारे पदाधिकारी निर्देश नहीं करते हैं तब तक हम जो है यहां पर धरने में बैठे रहेंगे और तालाबंदी कंटिन्यू रहेगी। यहां पर क्या मांगे हैं आप? हमारी मांगे हैं जैसे इसमें इन्होंने कहा है कि 2500 रुपये जो है इन्होंने न्याय पंचायत स्तर पर सीएससी सेंटर खोले हैं तो हम चाहते हैं कि वो सीएससी सेंटर जो है क्यों ना हर ग्राम पंचायत में हो कि अपने ग्राम पंचायत में होगा तो जो है लोगों को जाने आने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब मान लीजिए हमारा जो है न्याय पंचायत यहाँ पर एनफील्ड है उसका सीएससी सेंटर इन्होंने ढकरानी बनाया है तो ये तो है नहीं कि बुलाकी वाला का या ब्रोटी वाला का आदमी ढकरानी जाएगा उस चीज़ के लिए। तो यही चीज़ें हैं, इसी तरह की जो है समस्याएँ हैं पूरे प्रदेश में। हम चाहते हैं कि एक कंप्यूटर ऑपरेटर जो है पंचायत में नियमित रखा जाए जो 2500 अगर हमें वहाँ देने तो हम अपने पंचायत में ही वहाँ पर वो सुविधाएँ मिल जाएंगी। दूसरा हमारा जो है ये था कि क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत में जो भी काम होते हैं विधायक स्तर पे विधायक निधि से तो हम चाहते हैं कि इसमें जो है पंचायत में जो हमारे पास प्रस्ताव आते हैं क्योंकि खुली बैठक सिर्फ जो है प्रावधान कर रखा है कि भाई ग्राम पंचायत करेगी तो ग्राम पंचायत में जो है अधिकतर बहुत सारे जो है उसमें हमारे पास प्रस्ताव आते हैं। अब प्रस्ताव आते हैं तो हम उतना कामों को पूरा नहीं कर सकते जितना कि हमें जो है पंचायत राज या जो भी सरकार हमें फंड दे तो हम चाहते हैं कि उसमें जो है क्यों ना वो काम सभी स्तरों पे जो है डिवाइड हो जाए, कुछ काम जो है हमारे द्वारा हो जाए, कुछ जिला पंचायत करेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।